आज हम बनाएंगे आलू भुजिया। तो आलू भुजिया बनाने के लिए जैसे टिफ़न में देना हो या ब्रेकफास्ट में फटाफट तैयार हो जाता है, तो इसके लिए मैंने 4 आलू ले लिया है। तो सबसे पहले हम आलू को ऐसे कट कर लेंगे, इतने मोटे पीसेस में, ऐसे करके इतने मोटे पीसेस में कट कट लेंगे पहले ऐसे, ये देखिए। उसके बाद हम इसको लंबे में कट करेंगे ऐसे करके। तो ये देखिए आलू ऐसे लंबे में, सारे आलूओं को ऐसे ही कट कर लेंगे। बहुत फटाफट बन जाता है, आपको जब भी फटाफट टिफ़न में देना हो या ब्रेकफास्ट में बनाना हो। तो मैंने सारे आलूओं को काट लिया है, अब अच्छे से हम 2-3 पानी धो देंगे। मैंने पानी से इसको 2-3 पानी अच्छे से धो दिया। एक फ्राई पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल गरम हो गया, डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच राई और 1 लाल मिर्च और 2 पिंच हींग। तड़का हमारा चटक गया है राई, तो अभी आलू जो हमने रखा था उसको डाल देंगे। अब अच्छे से तड़के में हम पहले आलू को मिक्स कर देंगे, 2 मिनट इसे ही ऐसे ही पका लेंगे। उसके बाद जो भी डालना होगा आगे हम डालेंगे। तो ढक के 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। अब डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस इतना ही डालेंगे मसाले में। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो ढक के पकाएंगे इसको, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। चेक कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल करारी हो गई है। हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकाने से पक भी जाता है और हमारी आलू करारी हो जाती है। देखिए आलू अच्छे से पक गया। हम इतना ही कुक करेंगे, लास्ट इसमें डालेंगे हरे धनिया की पत्ती। तो ये देखिए हमारा फटाफट बनने वाला आलू भुजिया बनके तैयार है। टिफ़न में देना हो या ब्रेकफास्ट में फटाफट बना लीजिए, बनाना बहुत इजी है। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।